वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 8 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 8 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, DMK चीफ M करुणानिधि का 7 अगस्त 2018 को निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसमें आंसर आएगा M करुणानिधि तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे 94 साल के थे और करुणानिधि पिछले 28 जुलाई से चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती थे और 7 अगस्त की शाम 6:10 पर उनका निधन हो गया। अगर आपसे DMK की फुल फॉर्म पूछी जाए तो DMK यानी द्रविड मुन्नेत्र कजगम, और DMK की स्थापना 17 सितंबर 1949 को की गई थी। मुत्तुवेल करुणानिधि या M करुणानिधि, इनका जन्म 3 जून 1924 को हुआ था और इनका देहांत 7 अगस्त 2018 को हुआ है, और ये एक भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे तमिलनाडु राज्य के एक द्रविड राजनीतिक दल द्रविड मुन्नेत्र कजगम के प्रमुख थे और वे 1969 में DMK के संस्थापक CN अन्नादुरई की मौत के बाद इसके नेता बने थे। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि DMK के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा CN अन्नादुरई। आपके ऑप्शनों में मुत्तुवेल करुणानिधि भी हो सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि DMK के संस्थापक CN अन्नादुरई थे और M करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के, और ये 5 बार थे 1969 से 71, 1971 से 76, 1989 से 91, 1996 से 2001 और 2006 से 2011। और उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक कैरियर में अपनी भागीदारी वाले हर चुनाव में अपनी सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया, यानी वे आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। और वे तमिल सिनेमा जगत के एक नाटककार और पटकथा लेखक भी हैं। उनके समर्थन उन्हें कलाईनार यानी कला का विद्वान कहकर बुलाते हैं। करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को कावेरी अस्पताल में हुआ है। और नेक्स्ट आता है, करुणानिधि ने तमिल फिल्म उद्योग में एक पटकथा लेखक के रूप में अपने कैरियर का शुभारंभ किया था। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि M करुणानिधि जो कि एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी, तो आपका आंसर होगा तमिल फिल्म उद्योग में एक पटकथा लेखक से। आपके ऑप्शनों में राजनेता एक्टर, ये ऑप्शन कुछ भी बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है वे एक पटकथा लेखक थे और बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम आपको याद रखना है, और वह टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाते हुए दुनिया के अन्य देशों पर भी दबाव बढ़ा दिया कि वे उस देश से दूरी बना ले? तो इसमें आंसर आएगा ईरान से। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखेंगे वे अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके तहत अब ईरान सरकार न तो अमेरिकी मुद्रा खरीद सकेगी और न ही अमेरिका के साथ कारों या कालीनों का कारोबार कर पाएगी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाते हुए ईरानी ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसके साथ सोने व कीमती धातुओं के व्यापार पर भी रोक लगा दी है। ईरान सरकार अब तक अमेरिकी मुद्रा की खरीदी कर सकती थी, लेकिन अब उसे भी रोक दिया गया है। ईरान से अमेरिका आने वाले कालीन और अन्य उद्योगों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इससे पेट्रोलियम संबंधी लेनदेन और विदेश वित्तीय संस्थानों का ईरान के केंद्रीय बैंक के साथ लेन देन भी रुक जाएगा। और ट्रंप ने इन प्रतिबंधों को तोड़ने वाले गंभीर दुष्परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से ईरान की नुकसान पहुंचाने वाले
कार्यवाहियों को रोकने के लिए सहयोग करने की अपील की है और इन प्रतिबंधों से ईरान की मुद्रा रियाल में और अधिक गिरावट आएगी और ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाएगी। जैसे कि आप मैप में ईरान को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, जब भी करंट में कोई भी टॉपिक चलता है, किसी भी कंट्री का नाम आता है, तो उसकी पोजीशन मैप में कहां पर है ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए कि वहां की राजभाषा क्या है, वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम है, वहां की मुद्रा क्या है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे यहाँ पे ईरान का नाम आया तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की राजभाषा है फारसी, ईरान की मुद्रा है रियाल और ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। और आप ईरान के ऊपर एक झील को देख रहे हैं, इसका नाम है कैप्सिकन सागर। यह एशिया की एक झील है और यह अपने बहुत बड़े साइज के कारण ही इसको सागर कहा जाता है। और मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपके पेपरों में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कैप्सिकन सागर। और ईरान, ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसमें आंसर आएगा नीदरलैंड ने। और लंदन में खेले गए 14वें महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया है। तो इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है, तो आपका आंसर होगा आयरलैंड को हराकर। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नीदरलैंड ने कितनी बार महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, तो आपका आंसर होगा 8 बार। और नीदरलैंड ने इससे पहले 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006 और 2014 में ये खिताब जीता था। और नीदरलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और पश्चिम जर्मनी ने दो दो बार महिला विश्व कप का खिताब जीता है और आयरलैंड की टीम पहली बार महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। नेक्स्ट आता है महिला विश्व कप 2018 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये 14वें महिला विश्व कप थे और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड नीदरलैंड की लिडेविज वेल्टन को दिया गया और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट आयरलैंड की आयशा मैकफेरान को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी अर्जेंटीना की लुसिना वान को चुना गया और नीदरलैंड की किटी वैन मेल ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 8 गोल किए हैं। आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा गोल 8 गोल किए गए हैं और ये किसने किए, नीदरलैंड की प्लेयर किटी वैन मेल ने। और नीदरलैंड का ये 8वां ही खिताब था, यानी उसने ये 8वां महिला विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त को जारी महिला हॉकी विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा भारत अब 9वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है नीदरलैंड। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला आयरलैंड के साथ था, अब आयरलैंड की रैंकिंग कौन सी है? तो आयरलैंड अब 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान द्वारा राइजक्रिक नामक एक देसी चिप विकसित की गई है? तो इसमें आंसर आएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा और भारत के पहले माइक्रो प्रोसेसर को आईआईटी मद्रास ने सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत 6 माइक्रो प्रोसेसर के एक समूह का विकास किया गया है और इस चिप को राइजक्रिक नाम दिया गया है और इसका निर्माण इंटेल की ऑर्गोन फैक्ट्री में किया गया है। इसका उपयोग लिनक्स ऑपरेशन सिस्टम के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट शक्ति को 2014 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से की फंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, आपका कभी भी किसी मंत्रालय का नाम आता है तो आपको उस मंत्री का नाम पता होना चाहिए कि यह मंत्रालय किस मंत्री के अंडर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता रैफ बवादी की रिहाई संबंधी विवाद के चलते सऊदी अरब ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने की घोषणा की है?
तो इसमें आंसर आएगा कनाडा के साथ। और सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच में हुए सभी नए प्रस्तावों और निवेश पर भी रोक लगा दी है और कनाडा के उच्चायुक्त को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। वहीं सऊदी ने टोरंटो में तैनात अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया। दरअसल कनाडा ने सऊदी अरब से अपील की थी कि रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, रियाद में गिरफ्तार नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता को रिहा कर दिया जाए, और वहीं सऊदी अरब ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। जैसे कि आप मैप में सऊदी अरब की लोकेशन देख रहे हैं, इसके साउथ में यमन और ओमान कंट्री है और साइड में संयुक्त अरब अमीरात है और नॉर्थ में जॉर्डन और इराक कंट्री है और एक साइड लाल सागर और दूसरी साइड फारस की खाड़ी लगती है। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ के राजा है शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना का नाम है तेजस। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने वाला एक सक्षम एक हल्का युद्ध विमान है और इसका विकास हल्का युद्धक विमान या LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक ने हरियाणा राज्य में 8 नई जल परियोजनाओं के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 722 करोड़ रुपए को और इनके माध्यम से 256 गांव और बस्तियों में जलापूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट, आपके पेपर में कई बार नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और फिलहाल नाबार्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, आपसे मुख्यालय भी पूछा जाता है और इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो आपको अगर कोई टॉपिक मिलता है तो उससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन रिवाइज करते रहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर आएगा इसका उद्देश्य है उद्यमियता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय फुटबॉल क्लब ने 2018 FA कम्युनिटी शील्ड जीता है? तो इसमें आंसर आएगा मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर में स्थित एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ वार्ता संपन्न की है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है शावकत मिर्जीयोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AECT USA द्वारा दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं के अनवर सादात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकतंत्र का त्यौहार नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस योजना के लिए 6 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है? तो इसमें आंसर आएगा मौसम योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना अब तक का सबसे वजन वाला उपग्रह नवंबर 2018 में लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा इसका नाम है GSAT-11 और 5.7 टन वजन वाले सैटेलाइट को यूरोप के स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयान से लॉन्च किया जाएगा और इसका पर्पज देश में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा विजया बैंक के साथ। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास
मैत्री 2018 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत और म्यांमार, भारत और मलेशिया, भारत और थाईलैंड और भारत और दक्षिण कोरिया। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्लू बोर्ड से आप पोर्तुगीज मैन ऑफ वार का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है नई मेंढक प्रजाति, नई मकड़ी प्रजाति, नई जेलीफिश प्रजाति या इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।